हाय फ्रेंड्स, आई एम सनी कथुरिया, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमारा जो माइंड है ना, जो भगवान ने हमें माइंड दिया, वो किसी भी मिस्टीरियस चीज़ से कम नहीं है। और कमाल की बात यह है कि हम लोग यूनिवर्स के बारे में तो इतना कुछ जानते हैं, लेकिन अपने माइंड में क्या चल रहा है इसके बारे में हमें मालूम ही नहीं। हमें मालूम ही नहीं कि बढ़ती उम्र के साथ हमारी मेमोरी कम हो रही है, तेज हो रही है, कुछ भी नहीं पता। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 रिडल्स यानी कि 5 पहेलियां लेके आया हूँ। आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पहेलियाँ हैं। तो चलिए आपके माइंड का टेस्ट लेते हैं और देखते हैं किसमें कितना है दम, देखेंगे आज हम। तो सबसे पहले देखिए इस पिक्चर को, इन दो लड़कियों में क्या सबसे अजीब आपको नजर आ रहा है? तो चलिए इन देवियों को सीधा करते हैं और देखते हैं किसने सही जवाब दिया। देखा आपने, इन दोनों की आईज और इन दोनों के लिप्स दोनों उल्टे हैं, और ईमानदारी से बताना किसने सही जवाब दिया। तो कंग्रेचुलेशन जिन्होंने इस पहेली को सॉल्व कर दिया, लेकिन जिन्होंने नहीं कर पाए उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। हमारा ब्रेन अक्सर वही देखता है जो हमें देखने की आदत होती है, इसीलिए आपको कुछ अजीब नहीं लगा। तो चलिए दूसरी पहेली के ऊपर जाते हैं। इस टी शर्ट को ध्यान से देखिए और आपने बताना है कि इस टी शर्ट में कितने होल्स हैं, कितने छेद हैं इस टी शर्ट में। आर यू रेडी? 20 सेकंड्स स्टार्ट नाउ। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. रुक जाइए, time is over. तो देखिए, सबसे पहली बात मैंने ये कहा था कि इस टी शर्ट में कितने छेद हैं, और छेद की बात हुई थी तो जो नेक है वो भी एक छेद है, जो आर्म कट है वो भी एक छेद है। तो चलिए गिनते हैं इसके छेद कितने हैं। सबसे पहला गले का, फिर 2 आर्म्स के 3, और इसके बाद जो फ्रंट पे 2 हैं 4 5, और छठा जहाँ से हम टी शर्ट पहनते हैं, और जो इसी को जब हम पीछे की साइड करेंगे तो पीछे भी 2 होल होंगे क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होल है। तो 7 और 8, तो इस टी शर्ट में 8 होल्स हैं। वंस अगेन कंग्रेचुलेशन जिसने इस क्वेश्चन का भी सही से आंसर दे दिया। अभी तीसरी पहेली की तरफ बढ़ते हैं। गौर से देखिए इस पेड़ को, इस पेड़ में आपको क्या अजीब लग रहा है? अगर अजीब लग रहा है तो इस पेड़ का क्या नाम है ये बताना है आपको। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Ten seconds remaining. Five, four, three, two, one. Time's up. तो दोस्तों, इस पेड़ पे एक पक्षी बैठा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको नजर आ जाएगा। बढ़ते हैं चौथी पहेली की तरफ। तो अभी जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें एक गलती है, आपने वो गलती ढूंढ के उसे मैनेज करना है, सही ढंग से मैनेज करना है। तो देखिए आप क्या गलती है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Time over. So, दोस्तों यहाँ पे देखिए आप 2 बार स्पोर्ट लिखा हुआ है। क्या आपने ये गलती ढूंढ ली थी? सच सच बताना, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। तो अभी बढ़ते हैं 5वीं पहेली की तरफ। तो अभी इस क्वेश्चन की तरफ देखिए, इसमें 2 लाइनें ड्रा की हुई हैं, ए और बी। किसकी लाइन छोटी है वो आंसर आपने देना है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आंसर इतना ईजी नहीं है जितना कि दिख रहा है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. अभी सच सच बताइए, किसने ए का जवाब दिया, किसने बी का जवाब दिया? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बी जो है वो छोटी लाइन है, ये ऑब्वियस है। ये सिर्फ मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन 2011 में IAS के पेपर में डाला गया था, जिसमें ऊपर सिर्फ इतना लिखा था कि ये क्वेश्चन इतना ईजी नहीं है जितना कि दिख रहा है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 60% जो स्टूडेंट थे उन्होंने ए का आंसर दिया था इसमें, क्योंकि ऊपर जो उन्होंने लाइन लिख दी कि ये इतना ईजी नहीं है, फ्रेंड्स ने समझा कि शायद इसका आंसर ए ही होगा। तो जो आप देखते हैं उस पर बिलीव कीजिए, खुद पर यकीन रखिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो।
वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पूरा फन किया होगा और साथ साथ आपके माइंड का टेस्ट भी हो गया। और आपके कितने स्कोर आए हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो दिल से अच्छा लगता है, आप सपोर्ट करते हैं तो दिल से अच्छा लगता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।